हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आज बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है एक्सप्लेन द स्ट्रेटजी फॉर डेवलपिंग ए ई कॉमर्स वेबसाइट। जब आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाते हो तो उसके पीछे क्या क्या स्ट्रेटजी आपकी होती है, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। और उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि जब भी आप हमारे वेबसाइट पे आए तो प्लीज हमारे वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे दबा दें, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। आपको करना क्या है, हमारे वेबसाइट पे आना है और इस वाले जो जो सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है रेड कलर से, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और ये जो बेल आइकन है इसे दबा देना है, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको हमारे प्लेलिस्ट में आना है इग्नू बीकॉम न्यू के नाम से। यहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, जिनको देख करके आप आसानी से एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके इग्नू बीकॉम में जाना है और यहाँ पे आप एक छोटा सा फी पेमेंट करना है 119 रुपीज का, जिसके बाद आप हमारा मेंबर बन पाएंगे। इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपको पेमेंट करना है। नीचे की तरफ आपको आना है, आपको व्हाट्सएप का लिंक शो करेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे एक्सक्लूसिव ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आपको नोट्स जो है 40% डिस्काउंट पे मिल जाएंगे और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ फिर, जो कि है हमारा स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग ई कॉमर्स वेबसाइट्स। तो चलिए फिर देखते हैं। द कस्टमर्स इंडस्ट्री इज सॉरी द कॉमर्स इंडस्ट्री इज ग्रोइंग विद रैपिड स्पीड एज ग्रोथ रेट इन द कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आर कैटेगरीज इनटू 7 मेजर स्टेप्स व्हिच आर एज फॉलोस। है ना, तो कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है, उसका रैपिड ग्रोथ हो रहा है, बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है और कॉन्टिन्यूअसली लाइक इंक्रीजिंग वे में ग्रो कर रही है। और ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, इनको भी एक तरीके से बहुत ही ज्यादा तैयार किया जाता है, ताकि वो एक तरीके से जो कस्टमर की सर्विसेज हैं वो केटर कर पाए कस्टमर को, और कस्टमर जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर आकर के चीजों को खरीदे। है ना, तो जब आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो तो उसके पीछे कुछ कुछ स्ट्रेटेजी होती है, कुछ कुछ चीजें होती हैं, कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके अभी बात करेंगे। सबसे पहला है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड द कस्टमर। आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप कौन से प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो, कौन से सर्विसेज को बेचना चाहते हो और कौन आपके कस्टमर्स हैं। राइट, इसका कलर में डिफरेंट कर लेता हूँ, खूबसूरत लगेगा। सो द फर्स्ट स्टेप फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, आई हेट दिस यार, ठीक है ना, तो इसको मैं फिर से एक तरीके से हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, नाउ द फर्स्ट स्टेप फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट इज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सर्विसेज which the company wants to sell in the market to a target population. पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट के पहले, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप अपने कंपनी की तरफ से मार्केट में सेल करना चाहते हो अपने टारगेट पॉपुलेशन को। एज इट इज एसेंशियल टू आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट्स आर टू बी सोल्ड एंड टू होम, ये उतना ही एसेंशियल है, या इसलिए भी ये मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है कि क्या प्रोडक्ट और आप किसे सोल्ड करना चाहते हो, किसे सेल करना चाहते हो, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, तब आप जाकर के अपनी वेबसाइट को इस तरीके से डिजाइन करना स्टार्ट करोगे, बनाओगे। नो योर ई कॉमर्स कस्टमर, अपने ई कॉमर्स कस्टमर के बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। KYEC जिसे हम कहते हैं, नो योर ई कॉमर्स कस्टमर इज वाइटल फॉर एनी बिजनेस टू अंडरस्टैंड who their customers is for success in the long run, है ना? उनको ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से उनके कस्टमर्स हैं जो कि लॉन्ग रन में उनकी कंपनी को एक तरीके से सक्सेस बनाने में अपना योगदान देंगे, है ना? अपने कस्टमर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दे कैन अल्योर देम इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ताकि वो उनको एक अच्छे तरीके से उनका जो है इस्तेमाल कर सकें, उनको एक्सप्लॉइट कर सकें और क्या बोलेंगे उसको, फैसिलिटेट कर सके अपने बिजनेस को। ठीक है, कस्टमर को एल्योर करना, उनको ठीक तरीके से उनको चीजें सर्विसेज प्रोवाइड करना, ताकि लॉन्ग रन में वो आपके साथ जुड़ा रहे, जब भी प्रोडक्ट खरीदे वो आपके पास से आकर के खरीदे, ये बहुत जरूरी होती है किसी भी वेबसाइट को एक तरीके से बेहतर बनाने के लिए। तो अपने कस्टमर को जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टास्क होता है। वन वे टू ऑब्टेन दिस इज बाई इवेल्युएटिंग द कस्टमर्स ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है इस चीज को चेक करने का कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के जो कस्टमर्स हैं उनके थ्रू आप इस चीज को चेक कर सकते हो। चूज द राइट ई कॉमर्स वेबसाइट प्लेटफॉर्म, अब ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने नाम सुना होगा, आपने मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा, वर्डप्रेस का आपने नाम सुना होगा,
गूगल का जो ऑप्शन है वेबसाइट बनाने का, आपने उसका नाम सुना होगा। आप उन सारे चीजों का हेल्प लेकर के आप अपना ई कॉमर्स वेबसाइट जो है डेवलप कर सकते हो। तो किस प्लेटफॉर्म पे आप अपना वेबसाइट डेवलप करना चाहते हो, ये भी एक स्ट्रेटेजी आपकी होती है जिसको क्रैक करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो एप्रोप्रिएट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज अ सॉफ्टवेयर सूट दैट एड्स बिल्ड द ई कॉमर्स स्टोर where marketers make their products available and customers can process transactions, है ना। तो एक appropriate, you know, एक platform होना बहुत important है जिसके आप अपना, जिसके ऊपर आप अपना software तैयार करोगे। और e-commerce एक अच्छा website आपको बनाना वही बहुत important हो जाता है, उसके लिए platform बहुत important हो जाता है। क्योंकि जो भी आप website बनाओगे वहाँ पे आपको एक तरीके से आप अपने product को वहाँ पे build करोगे, product को वहाँ पे रखोगे, लोग वहाँ पे आएंगे, customers check in करेंगे, चीजों को पसंद करेंगे, cart में डालेंगे, फिर यू नो प्रोसेस करेंगे ट्रांजेक्शन को। तो ये सारी की सारी प्रोसेसेस जो होती हैं वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे होती है ना। तो वो प्लेटफॉर्म जो आप तैयार कर रहे हो अपने वेबसाइट का, वो एक अच्छा ई कॉमर्स वेबसाइट का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। क्योंकि अगर वैसा नहीं होगा तो हो सकता है आपको जो है दिक्कत हो, राइट। सो चूजिंग द राइट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज वाइटल टू एनी बिजनेस एज इट इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस, है ना। तो एक अच्छा यू नो प्लेटफॉर्म तैयार करना, प्लेटफॉर्म चुनना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए, ताकि बिजनेस का जो फाउंडेशन है वो अच्छा पड़े। बिजनेस का फाउंडेशन ही अगर मजबूत नहीं होगा तो बिजनेस ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगा। सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स का चुनो अच्छी तरीके से, ताकि आप अपने बिजनेस को ठीक तरीके से चला पाओ, ठीक है। अगला पॉइंट है चूज द राइट ई कॉमर्स वेबसाइट होस्टिंग प्लेटफॉर्म। अब आप किस जगह पे आप अपने वेबसाइट को होस्ट करोगे, जो मैं अभी आपको प्रीवियस जो मैंने आपको बताया गूगल पे या वर्डप्रेस पे, है ना, इसकी भी अपनी अपनी होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू आप होस्टिंग कर सकते हो। सो बिजनेस सक्सेस एंड फेलियर चॉइस ऑफ सर्वर एंड होस्टिंग्स आर अ क्रूशियल फैक्टर। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे जो यू नो ब्रदर इन लॉ लगेंगे, उन्होंने होस्टिंग्स नाम की एक कंपनी थी, या कोई एक कंपनी है जो कि नई लाइक रिसेंटली लॉन्च हुई है, उन्होंने उसको अपना होस्टिंग बनाया। उनको होस्टिंग बनाना चाहिए था किसी बेहतर कंपनी को जो कि होस्टिंग के बिजनेस में पिछले कई सालों से है, पर जस्ट बिकॉज कुछ रुपए बचाने के लिए उन्होंने उस चीज के ऊपर बनाया, तो वो चीज जो है उनका उतना चला नहीं। क्योंकि अगर आपका बिजनेस अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, जो कि जिसके लिए एक प्लेटफॉर्म का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा होस्टिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। होस्टिंग वो जगह होती है जो कि आपके बिजनेस को, आपके वेबसाइट को, बिजनेस को नहीं आपके वेबसाइट को एक तरीके से होस्ट करता है, आपके वेबसाइट को संभालता है ना। अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो वो तुरंत उसको सॉल्व करके देता है, नई कंपनी वो चीजें नहीं कर पाती, राइट। तो होस्टिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो बिजनेस सक्सेस एंड फेलियर जो है वो चॉइस ऑफ सर्वर एंड होस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और वो एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होता है। इट डिटरमाइंस द वेबसाइट्स एक्सेसिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस एफिशिएंसी। ये जो है वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी और परफॉर्मेंस को एफिशिएंसी यू नो एक तरीके से उसकी चेक करता है, उसको बनाए रखता है। कॉस्ट कटिंग आर इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट द वेबसाइट होस्टिंग एंड सपोर्ट, आउटसोर्सिंग कैन बी एक्सरसाइज्ड। तो कॉस्ट कटिंग जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको लोग ध्यान में रख करके एक तरीके से वेबसाइट होस्टिंग लेते हैं। आउटसोर्सिंग भी समटाइम्स कराई जा सकती है। तो सही एक तरीके से राइट ई कॉमर्स वेबसाइट होस्टिंग प्लेटफॉर्म चुनना भी आपके लिए एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो। अगला है चूज द राइट ई कॉमर्स डेवलपमेंट पार्टनर। तो आपके ई कॉमर्स को डेवलप करने के लिए आपको एक पार्टनर को अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि यू नो आईटी का काम सारा करेगा। जैसे कि मैं अपने वेबसाइट का सारा काम मैं करता हूँ, ये मेरा जो वेबसाइट है इसका सारा काम मैं खुद करता हूँ, राइट। तो उसके लिए आपको एक व्यक्ति को अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि उसके उसको एक तरीके से ठीक तरीके से देखेगा ई कॉमर्स वेबसाइट जो है, आपको एक तरीके से उसको डेवलप करेगा, उसमें मॉडिफिकेशंस करेगा जहां पे आवश्यकता पड़ेगी। तो एक अच्छा डेवलपमेंट पार्टनर ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो चूजिंग फॉर ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पार्टनर और ई कॉमर्स वेंडर्स कैन बी वेरी डिफिकल्ट अभी के टाइम पे, है ना। तो ये चूज करना अभी के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है। द मार्केट इज वेरी क्राउडेड, मार्केट जो है बहुत ज्यादा क्राउडेड है, विद सर्विस प्रोवाइडर्स विद ईच वन क्लेमिंग टू ऑफर द सर्विसेज विच सूट बेस्ट कंपनी नीड्स, है ना। तो यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो डेवलपमेंट पार्टनर होते हैं ई कॉमर्स, वो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, बहुत क्राउडेड है। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि भाई हम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी कंपनी की नीड्स होगी उसके हिसाब से हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और हम आपको इतना चार्ज करेंगे। तो आपको एक अच्छा ई कॉमर्स डेवलपमेंट पार्टनर ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपने वेबसाइट को बिल्डअप करने की बात कर रहे हो, जब आप अपने वेबसाइट को बिल्डअप कर रहे हो, राइट। नाउ ई कॉमर्स वेबसाइट टेस्टिंग, ठीक है ना। जब आपने वेबसाइट को डेवलप कर लिया तो उसकी टेस्टिंग करना आपको इंपॉर्टेंट है। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वेबसाइट डेवलपमेंट द नेक्स्ट क्रूशियल स्टेप इज ई कॉमर्स वेबसाइट टेस्टिंग, है ना। अगला स्टेप जो होता है वो ई कॉमर्स वेबसाइट टेस्टिंग का होता है। टेस्टिंग चेक्स यूजेबिलिटी, कस्टमर कन्वीनियंस, चेक्स फॉर बग्स एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइडिंग अ गुड शॉपिंग एक्सपीरियंस, है ना। तो जब आपने वेबसाइट डेवलप कर लिया उसके बाद आप चेक करते हो, टेस्ट करते हो
कि उसकी यूजेबिलिटी कैसी है, लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कस्टमर को कन्वीनियंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है चीजों को खरीदने में, किसी भी तरह का कोई बग, कोई ग्लिच, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारी वेबसाइट में, और जो कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हमारे से परचेस करके। ये सारी चीजें आप टेस्ट करते हो जब आपकी वेबसाइट तैयार हो जाती है। टेस्टिंग इज यूजुअली इंप्लीमेंटेड इन वेरियस ब्राउजर्स अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स एंड अक्रॉस डिवाइसेस। टेस्टिंग जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स पे होती है। ब्राउजर्स मतलब जैसे गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये ब्राउजर्स हैं। अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स मतलब iOS का प्लेटफॉर्म हो गया, या आपका गूगल का कोई फोन हो गया, है ना। अक्रॉस डिवाइसेस, डिवाइसेस में आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, फोन हो गया, मतलब हर एक चीज पे आप चला करके देखते हो कि आपका वेबसाइट जो है किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है ना, टेस्टिंग के टाइम पे। सो वेबसाइट्स कैन बी टेस्टेड मैनुअली और ऑटोमेटिकली और ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू फॉलोड बाई फीडबैक। वेबसाइट जो है दोनों तरीके से, इसको एक तरीके से टेस्ट किया जा सकता है, मैनुअली भी हो सकता है, ऑटोमेटिकली भी हो सकता है, या मैनुअली ऑटोमेटिकली दोनों हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप फॉलोड करते हो, उसको फॉलो अप करते हो बाई फीडबैक। आप फीडबैक लेते हो कि आपका वेबसाइट कैसा चल रहा है, यूजर का एक्सपीरियंस कैसा था, ये सारी की सारी चीजें आप फीडबैक के माध्यम से अपने पास लेते हो, और जो भी नेसेसरी चेंजेस आपको अपने वेबसाइट में करने चाहिए वो आप करते हो। अगला है इफेक्टिव मार्केटिंग। सो इफेक्टिव मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी होती है, इसको भी आपको अपने दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपने वेबसाइट को डेवलप कर रहे हो। ई मार्केटिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल एट दिस स्टेज। ई मार्केटिंग जो होती है यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू एडवर्टाइज इट टू द पीपल। अब लोगों के सामने एडवर्टीजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना अमेजन का एडवर्टीजमेंट टीवी पे बहुत चलता है, आपको पता नहीं है कि आप अमेजन के थ्रू पेमेंट भी कर सकते हैं, है ना। यू हैव इट बट यू डिडंट नो इट, इस तरह का एड देखना टीवी पे चल रहा होता है। तो वो क्यों चल रहा होता है? क्योंकि वो अपने प्लेटफॉर्म का एडवर्टीजमेंट करते हैं कि आप देखो, आप ये सारी चीजें भी हमारे वेबसाइट्स के थ्रू कर सकते हो, हमारे जो जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू आप कर सकते हो। तो जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो ये सारी चीजों का ध्यान भी आपको रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एडवर्टाइजिंग द वेबसाइट मार्केटियर्स नीड टू हैव अ प्रमोशनल प्लान ड्राफ्टेड आउट इंक्लूडिंग ऑल मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, है ना। तो एडवर्टाइजिंग जब आप अपनी वेबसाइट की कर रहे हो, तो मार्केटियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, एक तरीके से एडवर्टाइज करने के लिए, उसके पास एक प्रमोशनल प्लान होना चाहिए, चाहे वो ड्राफ्टिंग सिचुएशन में क्यों ना हो, पर एक प्रमोशनल प्लान होना चाहिए जिसमें हर एक तरह की जानकारी होनी चाहिए एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, कि किस तरीके से एडवर्टाइजिंग की जाएगी, कैसे कैसे की जाएगी, वो सारी चीजें, है ना। इन ए क्राउडेड मार्केट ऑफ बिजनेस ओनर्स कॉम्पीटिंग फॉर कस्टमर्स अटेंशन, इट इज हार्ड टू गेट न्यू कस्टमर्स और सस्टेन एग्जिस्टिंग वंस विदाउट प्रॉपर मार्केटिंग। तो अभी के टाइम पे जैसा क्राउडेड मार्केट है, किसी भी बिजनेस ओनर के लिए मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और नए कस्टमर्स को लाना और उन कस्टमर्स को सस्टेन करके रखना पुराने कस्टमर्स को, वो अभी के टाइम पे एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब हो जाता है। तो उसके लिए बीच बीच में जब भी आपको मौका मिले, आपको मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो दीज आर द 7 स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर डेवलपिंग ई कॉमर्स वेबसाइट। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।